देखिए, इसके बाद जो आपने उसका वीडियो मैंने अलग ही बना दिया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का पूरा अलग बना दिया है, उसको जो देखना चाहेगा वो देखेगा, 17 मिनट का नहीं देखना चाहेगा मत देखेगा, जिसको जरूरत होगी वो देखेगा। तो ना देखो, अब आप आते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर की अब बात करते हैं। इट वॉज ऑल्सो नाउ दिस इज प्रपोज बाई सर डाल्टन, इन्होंने सर डाल्टन ने आपका ना देखो इन नाउ 1808 में आपका इन्होंने ये, यानी कि इसका मतलब जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन था वो भी आपका 1808 में आया था, और उसके साथ ही जस्ट उसके साथ पैरेलल आपका नाम एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर भी आपने डाल्टन सर ने दे दिया था। ही वाज गाइडेड अपन देखो केसेस बाय द लॉस ऑफ केमिकल जो कॉम्बिनेशंस के लॉ के साथ उन्होंने उनको गाइड किया गया उन्होंने, और नेमली आपका नाम दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, जिसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन थी इसमें लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट अपन कंपोजिशन की थी। एंड देखिए अपन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मैंने क्या कहा था, किस गधे ने ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हटाया, जबकि जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन है वो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन को जो गाइड किया गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से आपका नाम, और उसमें नेमली या मेनली आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आपका नाम एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था आपका नाम। देखो दस ठीक है ना, तो लेट्स सी द वे दिस लॉ लीड्स टू द आइडिया ऑफ एटम, उसी से आपका नाम आइडिया ऑफ एटम्स आपका नाम ये आपका है। इट्स फर्स्ट द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, यह जो कंपोजिशन था स्टेट्स दैट द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन मोर देन वन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर अपन देखो दिस इज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। इसमें जो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर में लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशंस को देखो, इसमें क्या कहा गया कि दैट द अपना दिस द मास रेशियो, दिस द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स इन मोर देन वन सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। उसके बाद सेकंड देखिए जो आपका नाम द लॉ ऑफ मल्टीपल, मल्टीप्लाई करके पीएलई लगा दिया मैंने, तो मल्टीपल आपका नाम देखो प्रपोर्शन इसमें आपका क्या कहा गया आपका नाम देखो दिस द स्टेट दैट टू एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन सिंपल रेशियो अगर हो आपके इसमें सिंपल रेशियो ऑफ ये भी आपका देखो होल नंबर्स टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड ये भी आपका नाम देखो बिल्कुल। अब यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो इसको और सिंपल बना दे, देखिए कॉन्स्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ आपका नाम देखो दिस द कॉन्स्टेंट कंपोजिशन स्टेट दैट द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ अब आपको क्लियर हो जाएगा देखो ऑफ ए कंपाउंड एज लीजिए अब एक क्लियर कर दिया मैंने ये देखो इट्स कॉन्स्टेंट अपन ऑल्सो द रेशियो ऑफ होल नंबर या रेशियो ऑफ होल नंबर अपन अब होल नंबर्स सजेस्ट जो करते हैं आपका देखो
इससे क्या निकला? नाउ द रिजल्ट ऑफ स्मॉल, ये जो होल नंबर आपका लिख करके आ रहा है, होल नंबर आपका ना देखो सजेस्ट है, इसने क्या सजेस्ट किया आपका ना देखो दस का, ये अब आपका इसमें पता लगेगा अपना मैटर। देखो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, मैटर आपका हमेशा डिस्क्रीट पार्टिकल से आपका मिलकर के बना हुआ, और सेकेंड द होल नंबर विच इज नॉट ए फ्रैक्शन, होल नंबर जो किसी का फ्रैक्शन नहीं है आपका देखो ना, मीन्स दैट द डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जो इसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे आपका देखो ऑफ मैटर आर इंडिविजिबल एंड अनकट। दूसरा जो होल नंबर वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए आपका ना देखो, इसका मीन्स दैट ये जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स मैटर का होगा वो आपका आर इंडिविजिबल है, यानी कि जो जिसको आप काट नहीं सकते हैं, अनकट पार्ट है। मतलब उस समय तक ये था कि आपका एटम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। जल्दी करिएगा फिर मैं आगे चलता हूं। आपको मोलर मास पढ़ा दिया एक मिनट, आप तो सिंपल मेरी बात का जवाब दीजिए, आपको मोलर मास पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हाँ या ना? तो उन गधों को ये पूछिए कि मोल का मतलब क्या होता, मोल का मतलब आपका क्या होता, मास ओवर मोलर मास होता। अरे मेरी बात सुनो, मुझसे ज्यादा दिमाग थोड़ा उनका चलता होगा, मैंने आपने कहा मोल हटा दिया हमारे उसमें से, उन गधों को ये पूछे कि मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास है, जब इनका कॉम्बिनेशन है तो मोल कैसे हटा दिया आपने, उन गधों को ये नहीं दिखा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आप निकालते हैं ये दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स मे भी आपका आइदर एटम्स हो सकते हैं, या आपका देखो दिस द मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं आपका देखो, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने के लिए आपका क्या होता है, मोल इनटू ये जो अभी अभी आप मेरे को कह रहे हैं देखो आपका नाम एवोगाड्रोस नंबर, इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपका कैपिटल एन कहते हैं, मोल को स्मॉल एन कहते हैं, और एवोगाड्रोस नंबर होता 6.023 × 10²23 भी होता 22 भी होता, 22 23 दोनों है, घबराने की जरूरत नहीं है, 22 23 दोनों ही ठीक है। पुरानी किताब में अगर आप देखेंगे 23 है, नई किताब में 22 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब CBSE आपका 28 में फेल बच्चे को 32 ला करके मास्टर से कह रहा तुम करके इसका सवाल करके 33 पास कर दो इसको, तो उनको 10²23 और 20 क्या फर्क पड़ता है? नई बुक्स में 10²22 ही लिखा होगा, ओल्ड बुक्स जितने होंगे उनमें 10²23 लिखा होगा, समझ रहे हैं? तो मोल तो वैसे भी हटाने का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कायदे से, बिना मोल के तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही नहीं निकल पाएगा। जो पुराने के सवाल है कई सवाल में मोल आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो मास ओवर मास बोल दिया आपको, तो मास इनटू मोलर मास इज इक्वल आपका देखो तब भी आपका मास अगर आपको निकालने को बोलेगा, अरे चलो वो नेता वो बेकूफों ने जो वहां ऊपर हायर कुर्सियों में बैठे हुए एसी के अंदर उनको दिमाग नहीं था, क्या आपके स्कूल टीचर को भी कोई दिमाग नहीं था? देखिए दो कॉन्ट्राडिक्शन वाले पॉइंट्स का भी मत करना, पढ़ाया है अच्छी बात है, और जो कह रहे कोर्स में नहीं है तो उन गधों को ये पूछो ना कि आपका मोलर मास कैसे निकलेगा सर, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना होगा तो बिना मोल के कैसे निकालेंगे सर, हम बिना पेट्रोल के गाड़ी आगे जाएगी कैसे, पानी से तो चलेगी नहीं,
मैं कोई गलत थोड़ा ना बोल रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर के, तुम्हारे स्कूल मास्टर का तो वीडियो भी नहीं जारी होगा, मेरा तो वीडियो ही अभी पहुंचेगा, थोड़ी देर में कहां से कहां पहुंचेगा, तो मैं तो गलत आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकता हूं कभी नहीं। तभी तो कह रहा हूं पता नहीं, अगर आप लोग के स्कूल टीचर पढ़ा रहे होते तो कोचिंग सेंटर्स चल नहीं रही होती, बाहर देख ही रहे अभी मैं डांट के आ रहा हूं सुसरों को। अब उनके मास्टर ने बोला रावत सर थे, हो नहीं जाते हम, चुपचाप अंदर घुस गया, क्योंकि पता है हम गलत काम कर रहे हैं। मैंने उन मकान मालिक को भी बोल दिया, उनके चिलवाल अंकल को, अभी आपके यहां ये गलत काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपके माँ बाप को भी शायद पता नहीं होगा जब आप लोग ट्यूशन जाते होंगे स्कूल टीचर के पास। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, यहाँ आदेश है, देख लीजिए आप कहाँ है, लाइए जरा इसको करने के लिए मैं यहाँ हूं तो सही, एक ही हिंदुस्तान में एक ही रावत काफी। ये क्या लिखा हुआ देखो, आप सबसे पहले देखो ये सेक्शन 28 के तहत पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों के द्वारा आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना, इसमें कई स्कूल टीचर्स के नाम है, बी शिवा डीएवी निर्मला कॉन्वेंट बिरला स्कूल, बी शिवा सिंथिया स्कूल, कई स्कूल के इंस्पिरेशन कई इसमें देख लीजिएगा। अब आपका देखो, आप लोगों को शायद लगता होगा ये क्योंकि मैं यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट हूं इसलिए आपका ना, देखो अहमदाबाद एजुकेशन ग्रुप की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि ट्यूशन पढ़ाने वाले स्कूली टीचर्स को नौकरी से हटाने का प्रावधान है, इतना ही नहीं लगातार और अध्यापक व्यापक मूल्यांकन स्कीम सीसी के तहत कक्षा 10 विद्यार्थियों को स्कूल की ओर से 20 में से 20 और 30 में से 30 इंटरनल असेसमेंट में मार्क दिए गए हैं, इन परिस्थितियों में विद्यार्थियों को लालच देकर अपने यहां ट्यूशन पढ़ाने का दबाव। उसके बाद ऑन 8 अगस्त 2009 में अमृत ढिल्लों हैव सेट प्राइवेट ट्यूशन बैंड अंडर न्यू इंडिया लॉ दैट टीचर्स हाउ वर्क अंटिल 9 and 10 आवर्स एवरी इवनिंग गिविंग ट्यूशन आर नॉट फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग द नेक्स्ट डे एट स्कूल दे ओ इट टू दियर स्टूडेंट्स टू पुट दियर जॉब फर्स्ट। उसके बाद अब क्या कहूं, इतने बड़े आदमी को, इतना बड़ा वकील था हिंदुस्तान का, उसको भी शर्म नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा था मिस्टर कपिल सिब्बल फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर हैव बैंड प्राइवेट ट्यूशन टू टेक द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स आपका एबसेंटीज इन स्टेट रूलिंग स्कूल। उसके बाद कोलकाता द वेस्ट बंगाल सीनियर सेकेंडरी हैड ऑल्सो बैन द प्राइवेट ट्यूशन ऑफ टीचर्स एंड द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू इनैक्ट द लॉ टू मेक प्राइवेट ट्यूशन पनिशेबल ऑफेंस ऑन 28 December 2010 इफ वायलेटिंग दिस रूल विल बी रिगार्डेड एज ए पनिशेबल ऑफेंस एंड द वायलेटर्स विल बी फाइंड हाइएस्ट ₹3 lakh और जेल और 6 months और बोथ। उसके बाद ये बिजनेस कर रहे, चलो बिजनेस कर लो कोई बात नहीं, सुबह से बच्चा मास्टर 1 घंटा बाद आते हैं, बच्चे 1 घंटे आगे करें, हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं जो हमारा किसी भी स्कूल से कोई काम नहीं होता। उसके बाद उड़ीसा में देखिए, ये इसी टीचर के लिए 7 July 2014 द जस्टिस मोहापात्रे कमेटी रिपोर्ट्स और नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड हैज बीन इश्यूड टू ऑल डीएवी स्कूल्स इन दिस स्टेट द डीएवी स्कूल टीचर्स वुड हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग, जबकि कर दिया है इसने भी, मुझे तो सारे मेरे तो सारे मित्र हैं ना, एंड दे आर नॉट आपका होल्डिंग प्राइवेट ट्यूशंस आइदर एट ट्यूटोरियल और होम्स, आप ट्यूशन सेंटर में जाके कोचिंग सेंटर्स में जाके घर में नहीं पढ़ा सकते, कहीं भी नहीं पढ़ा सकते आपका ना देखो, इफ एनी रिपोर्ट सच एक्टिविटीज इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज द वुड बी लाइबल टू स्ट्रिंगेंट एक्शंस इवन टू द एक्सटेंट टू टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज विद रीजनल डिवीजन ऑफ डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ उड़ीसा जोन विद डॉक्टर के एस साठापाथी। उसके बाद जुलाई 2014 में द मेजोरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू चीफ जस्टिस सुन लीजिए यहां मिस्टर एच एस कपाडिया और स्वतंत्र कुमार अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड सेड इट वुड अप्लाई टू ऑल गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल अंडर सेक्शन 28 ऑफ द नेक्स्ट बैन टीचर्स इन स्कूल्स फ्रॉम टीचिंग स्टूडेंट्स थ्रू
private tutorials and thriving business across the country. The bench took note of this provision and said, to ensure that teachers should contribute the imparting quality of education in the school itself, it imposes total provision on them to engage in private tuition on private teaching activities directly and indirectly. ये आपके स्कूल टीचर्स को पता नहीं होगा, आज तक किसी को पता नहीं होगा, अभी जो मेरा देखेगा ना उसकी वैसे रूह कांप जाएगी। ये है देखो मेरे पास सारे असेसमेंट, सारे स्कूल टीचर्स की मेरे पास, कोई को किसी को पंगा करने के अंगुली करते सब है, उनका रावत सर को भेज दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट तो वही है, वो देख लेंगे। इसलिए डर से नहीं आया होगा अभी। अब शाम को जाते हैं दादा प्रणाम, जैसा साला मेरे बाप का कर्जा उसने देना होगा या मैंने उसके बाप का कर्जा देना होगा।